हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। माय नेम इज दीप नारायण मिश्रा और आज हम कुछ मेरे पास यूपी कैडेट के ओल्ड पेपर हैं, अवेलेबल हैं, जो उनको देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। शायद उसमें से कुछ आपको क्वेश्चन होने वाले जो यूपी कैडेट MSCAG का एग्ज़ाम है उसमें मिल सकता है, तो आपको हेल्प होगा उससे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। जिनको भी यूपी कैडेट MSCAG का पेपर देना है तो उनको भी हेल्प होगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद जो भी आपका रिव्यू होगा वो भी शेयर कीजिएगा कमेंट करके, और मिलते हैं फिर वीडियो के बाद। क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज इन डॉर्फ हुईट इज एट, तो ये आता है 20 से 25 दिन बाद, 22 to 25 DAS। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर ऑफ इरीगेशन वाटर इज इक्वल टू, तो ये होता है 1 लाख लीटर। देन उसके बाद साइंटिफिक नेम ऑफ बरमूडा ग्रास इज साइनोडोन डैक्टाइलोन। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड, तो यहाँ पर आंसर होगा ग्लाइफोसेट। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हिच बायो फर्टिलाइजर इज यूज्ड इन व्हीट क्रॉप, एजोटोबैक्टर। द पंजेंट प्रिंसिपल इन चिली इज कैप्साइसिन। पोटैटोज आर डेवलप्ड एट द टिप्स ऑफ स्टोलन। व्हिपटेल इज इन कॉलीफ्लावर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन स्टाइल लेंथ ब्रिंजल फ्लावर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। द हीट ट्रीटमेंट इज गिवन टू इनएक्टिवेट एंजाइम इज कॉल्ड ब्लांचिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसजेनिक वैरायटी ऑफ टोमेटो इज फ्लेवर्स सॉर वैरायटी होता है, ये ट्रांसजेनिक वैरायटी है। ग्लेडियोलस इज प्रोपोगेटेड थ्रू कॉम्स। पिंचिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड फॉर ऑब्टेनिंग बेटर फ्लावर प्रोडक्शन इन मैरीगोल्ड। क्रॉप सोइंग मैक्सिमम रेजिस्टेंट टू नेमेटोड्स इज मैरीगोल्ड। द बेस्ट रूट स्टॉक फॉर रोज प्रोपोगेशन इन नॉर्थ इंडिया इज रोजा इंडिका वैरायटी ओडोराटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पल्सिंग इज रिलेटेड टू कट फ्लावर। ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्लेडियोलस इज साउथ अफ्रीका। द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज लोकेटेड, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है वो गुड़गांव में है। अगला क्वेश्चन है, द टोटल सॉलिड इज टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स इज मेजर्ड बाई हैंड रिफ्रेक्टोमीटर। मैंगो वैरायटी फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, तो ये आम्रपाली होता है, अबाउट 1600 प्लांट होते हैं इसमें 1 हेक्टेयर के लिए। अगला क्वेश्चन है, मैंगो डिजीज ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस माल फॉर्मेशन। अ लीडिंग स्टेट इन नट फ्रूट प्रोडक्शन, अभी तो शायद चेंज हो गया होगा, बट ये केरला है। गैनोडाइसिस वैरायटी ऑफ पपायज पूसा मैजेस्टी। लूज जैकेट सिट्रस फ्रूट आर मैंडारिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोमग्रेनेट हाइब्रिड, तो पोमग्रेनेट हाइब्रिड यहाँ पर होगा रूबी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस क्रॉप, तो कोकोनट लगा है लेकिन ये गलत है, कोकोनट मोनोसियस होता है, बीटल वाइन डायोसियस होता है। क्रोमोजोम नंबर ऑफ कोकोनट, तो कोकोनट में जो क्रोमोजोम नंबर होता है वो 32 होता है। श्रीनगर एंड सुवासनी और वैरायटी ऑफ व्हिच फ्लावर ट्यूब रोज का होता है। मोर नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी रिकमेंडेड इन व्हिच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, सॉरी मोर नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी एकोमोडेटेड इन व्हिच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, हेक्सागोनल प्लांटिंग में होता है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ लेमन ग्रास, तो लेमन ग्रास का साइंटिफिक नेम सिम्बूपोगन फ्लेक्सियोसस होता है। व्हाट आर द एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, तो क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्ले मिनरल्स आर एक्सपेंडिंग टाइप, तो इसमें एक टाइट ग्रुप यहाँ पर सही होगा। एसिड सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाई अप्लाइंग लाइम। नाइट्रोजन कॉन्टेंट इन DAP 18%। विच ऑफ द मैनुअर्स दैट कंटेन हाइयर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट सॉइल। खैरा डिजीज ऑफ पैडी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक। अगला क्वेश्चन है,
ड्रिस इज बेस्ट सुइटेड फॉर फ्रूट क्रॉप्स या फ्रूट ट्री। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, ड्रिस का फुल फॉर्म आ जाता है, इसका पूरा नाम क्या है पूछ लिया जाता है। तो ड्रिस का पूरा नाम है डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम डायग्नोसिस रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक, इंटीग्रेटेड सिस्टम ये इसका पूरा नाम है, डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर क्रोमा। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज ड्रेन फ्रॉम ए सैचुरेटेड सॉयल सब्जेक्टेड टू ए सक्शन ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रिफर्ड टू एज, तो ये फील्ड कैपेसिटी होता है। यहाँ पर आंसर होगा फील्ड कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन है, द बायोगैस प्लांट्स हैविंग हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, जनता डोम बायोगैस मॉडल। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सोलर स्ट्रीट लाइट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज लो। द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, फॉसिल फ्यूल एनर्जी। द सोइंग इक्विपमेंट व्हिच कैन इंश्योर प्रॉपर इंटर एज वेल एज इंट्रा रो स्पेसिंग ऑफ क्रॉप इज नोन एज सीड ड्रिल। एंड अगला क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इंटू रोटेटरी मोशन ऑफ द फ्लाई व्हील इज कन्वर्टेड बाई क्रैंकशाफ्ट। द फॉलोइंग इज प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, डिस्क हैरो प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट नहीं है। यहाँ पर होगा आंसर मोल्ड गोल्ड प्लाउ। डिस्क हैरो नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर आंसर होगा मोल्ड गोल्ड प्लाउ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस रिमेंस इन। तो आंसर यहां पर होगा ऑल द थ्री स्टेट, सॉलिड गैस और वेपर। द फॉलोइंग इज नॉट ए साइज रिडक्शन इक्विपमेंट, विनोवर्स। अगला क्वेश्चन है, इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस इज 20%, इफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस 20%, व्हाट विल बी द मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस। तो इसका फार्मूला होता है, मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस अपॉन 100 प्लस मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस, अंडर ब्रैकेट रहेगा ये, इनटू 100। तो इस फार्मूला पे रखेंगे 20%, तो जो वैल्यू फाइंड होगा वो 16.67% आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द इंडेक्स ऑर्गेनिन फॉर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर आंसर होगा कॉक्सिल्ला बर्नेटी। अगला क्वेश्चन है, द एसिडिटी ऑफ फ्रेश मिल्क रेंजेज बिटवीन 0.12 to 0.16%। द केसिन कंटेंट ऑफ काउ मिल्क इज अबाउट 2.8%। द बेस्ट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ मिल्क विद वाटर। तो यहाँ पर होगा आंसर चेंजेज इन लैक्टोमीटर रीडिंग। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेजर वे प्रोटीन, लैक्टोग्लोबुलिन। कराकुल इज ब्रीड ऑफ सीप का होता है, ब्रीड है, इम्पॉर्टेंट ब्रीड है सीप का। क्रीप बाइटिंग इज वाइस ऑफ हॉर्स रिलेटेड है। स्पेस रिक्वायर्ड पर लेयर इन डीप लिटर सिस्टम इज 2 square feet। मेयर कैरीज हर डेवलपिंग फेटस फॉर 114 days। विच वन इज हैवीएस्ट पार्टिकुलेट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल। तो यहाँ पर आंसर होगा न्यूक्लियस। द नंबर ऑफ आइसोमेर ऑफ ग्लूकोज इज 16। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है 2 to the power 4। उसके बाद, द ग्लाइकोलिसिस इज रेगुलेटेड बाई ऑल द एंजाइम। यहाँ पर हेक्सोकाइनेज
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पाइरूवेट काइनेज सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सेस आर डिफिशियंट इन व्हिच अमीनो एसिड, तो मेथियोनिन आंसर होगा। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड रिक्वायर्स ऑल द फॉलोइंग कोएंजाइम एक्सेप्ट एनएडीपी। एन एंजाइम प्रोमोट्स ए केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। द फर्स्ट कोडन टू बी ट्रांसलेटेड ऑन एमआरएनए इज एयूजी, ये कोड करता है एयूजी मेथियोनिन को, ये मेथियोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथेसिस ऑफ ऑल हायर टर्पेनॉइड्स प्रोसीड्स बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ द अबव। बायोलॉजिकल रोल ऑफ फिनॉल्स इन प्लांट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। द मोस्ट इफेक्टिव म्यूटेजन टू इंड्यूस म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन ईबी, इडियम ब्रोमाइड जो होता है ये साइटोप्लाज्मिक जीन को म्यूटेट करता है। तो अगला क्वेश्चन है, प्लियोट्रॉपी इज जनरली कन्फ्यूज विथ म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीईटी वन साइटोप्लाज्म इज प्रॉपरली नोन इन, सॉरी पीटी वन साइटोप्लाज्म इज पॉपुलरली नोन इन सनफ्लावर। तो सनफ्लावर में मेल स्टेरिलिटी वाला साइटोप्लाज्म होता है पीईटी वन, ठीक, इंपॉर्टेंट है। हु इज नोन एज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, तो हाइब्रिड राइस के जो फादर हैं इवान लॉन्ग पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्लॉइड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, तो यहाँ पर आंसर होगा एंथर कल्चर। उसके बाद है, व्हेन ए ट्रेट इज गवर्न्ड बाय सिंगल डोमिनेंट जीन देन द व्हाट वुड बी द इट्स जीनोटिपिक रेशियो इन एफ टू। तो जीनोटिपिक रेशियो बात होगा तो 1:1 आएगा, और अगर फीनोटिपिक रेशियो की बात करें 3:1, ये है फीनोटिपिक रेशियो, फीनोटिपिक रेशियो, ठीक, और ये जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउडेज द मोस्ट पॉपुलर मेथड बीइंग यूज्ड फॉर करेक्टिंग द डिफेक्ट ऑफ ए पॉपुलर वैरायटी इज, तो आंसर होगा यहाँ पर बैक्रास मेथड। द टर्म हेट्रोसिस वाज गिवन बाय सुल व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा, तो यहाँ पर राइबोसोम आंसर होगा। डीएनए स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर फाउंड इन राइस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है। तो लिंकेज ग्रुप की बात यहाँ पर किया राइस में, तो आंसर तो होगा यहाँ पर 12, बट आप जान लीजिए लिंकेज ग्रुप को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो कभी भी लिंकेज ग्रुप का बात आए तो वहाँ पर सिंपल सा एन वैल्यू जो होगा वो होगा लिंकेज ग्रुप, ठीक, ये लिंकेज ग्रुप होता है, हैप्लॉइड जो होता है ये होता है लिंकेज ग्रुप। तो अगर राइस की बात करें तो यहाँ पर 2n = कितना होता है 24, तो हम एन की बात करेंगे तो n = कितना आएगा 12, ये होगा लिंकेज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल यूज ऑफ द टर्म एक्सटेंशन ओरिजिनेट्स इन USA। द बेसिक फिलासफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो बेसिक फिलासफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन टू टीच पीपल, यहाँ पर होगा आंसर हाउ टू थिंक। ए यूनिट ऑफ टू आर मोर पीपल इन रिसिपिएंट कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विथ ईच अदर इज नोन एज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिक इंटीग्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ ऑल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन विल बी टर्म्ड एज लीडरशिप। कम्युनिकेशन मॉडल हैविंग थ्री एलिमेंट्स लाइक स्पीकर स्पीच एंड ऑडियंस वाज प्रपोज बाई एरिस्टोटल। व्हिच अडॉप्टर कैटेगरी हैज द हाइएस्ट डिग्री ऑफ ओपिनियन लीडरशिप, तो आंसर हो गया अर्ली अडॉप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप वाज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। द प्रोसीजर ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ए पर्सन विदाउट यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ स्पीच इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट, तो ये नीस बट जो है ये तो एक्चुअल में लोकेटेड है नोएडा में, बट ये आता है यूपी के अंदर। अब यहाँ पर यूपी तो ऑप्शन है नहीं, तो नियर अबाउट न्यू दिल्ली यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन जीपी लाइज वेल अबव डैमेज बाउंड्री एंड ईआईएल, द पेस्ट इज सेड टू बी ए
की पेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसिलस थ्रूजेंसिस सब स्पेसीज इजराइलेंसिस वाज फर्स्ट सक्सेसफुली यूज अगेंस्ट ट्रिस्ट फ्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट हैज ऑल इंडिया अकरेंस, चाइलो सैक्रो सैक्रीफेगस इंडिकस, बीज वैक्स कॉन्टेंस माइसिल पालमिएट, एक केमिकल होता है जो बीज वैक्स में पाया जाता है, एंडॉक्सकार बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ ऑक्सोडाइजीन, आंसर होगा ऑक्सोडाइजीन। ये इंडॉक्सकार्ब जो होता है ये लेपिडोपटेरियन के लिए यूज करते हैं, ठीक, ये यूज करते हैं लेपिडोपटेरियन के लिए। पूछा जाता है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोसेटिंग ऑफ फ्लावर्स एंड इंटरलोकुलर बरोइंग ऑफ बॉल्स इन कॉटन ड्यू टू पेक्टिनोपोरा गोसिपियल्ला, इसको बोलते हैं पिंक बॉलवर्म। पिंक बॉलवर्म इसी में होता है डबल सीड फॉर्मेशन, ये भी पूछा जा सकता है डबल सीड फॉर्मेशन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एनेमी मेड इन इंडिया वाज विद रोडेलिया कार्डिनेलिस, व्हेन मोर देन वन स्पीसीज ऑफ पैरासिटाइट प्रेजेंट इन द सेम होस्ट इट इज रिफर टू एज मल्टी पैरासिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्ट इन फील्ड एज वेल एज इन स्टोरेज, तो साइलस जो होता है ये स्वीट पोटैटो का पेस्ट है जो फील्ड और स्टोरेज दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन प्रोड्यूसेस जू स्पोर, तो यहाँ पर आंसर होगा पिथियम, ये लोअर फंजाई में होता है जू स्पोर। रिडोमिल एमजेड कंप्राइजेज ऑफ मेटालेक्सिल एंड मैंकोजेल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनी बेरी इज क्रेडिटेड फॉर हिज रिसर्च इन अंडरस्टैंडिंग प्लांट पैथोजेनिक फंजाई, फर्स्ट ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन काजेज डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, तो यहाँ पर आंसर होगा पर्नोस्पोरा पैरासिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैथोजन कंसिस्टिंग स्लोली ऑफ शॉर्ट स्टैंड ऑफ सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, तो वायराइड जो होता है विदाउट प्रोटीन कोट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, तो यहाँ पर एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऊ स्पोर जो है ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, मतलब सेक्सुअल स्पोर इसको बोल सकते हैं, ये सेक्सुअल है। रिमेनिंग ये थर्ड तीन जो हैं, रिमेनिंग थ्री जो हैं ये एसेक्सुअल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द विच बॉडी पार्ट इज एसेंशियल फॉर काजिंग डिजीज बाई प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, स्टाइलेट पार्ट सिम्टम्स आर प्रोड्यूस बाई प्लांट वायरसेस, तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटैटो सिस्ट निमेटोड, तो ग्लोबोडेरा ऑरोस्टोचाइनेंसिस होता है पोटैटो सिस्ट निमेटोड। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट फॉर करंट सीजन, इसको करंट सीजन का तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, लेकिन करंट सीजन का 1900 के अबव है, देख लेना इस चीज़ को। सब्सिडी गिवन ऑन फर्टिलाइजर इज कवर्ड अंडर नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी, व्हेन एमआरएस बिटवीन टू इनपुट्स इज इक्वल टू इट्स इनवर्स प्राइस रेशियो इज नोन एज लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पर आंसर होगा कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज फॉलोइंग स्टेजेस, फोर स्टेज का होता है। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट द क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज, तो इसका आंसर जो होगा पॉजिटिव। द नेचर ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरएस बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इज, तो इसका जो आंसर होगा जीरो होगा,
कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट के लिए जीरो होता है। इन्फ्लेशन इम्प्लाइज ड्यू टू राइज इन मनी वैल्यू, जब प्राइस बढ़ता है तभी इन्फ्लेशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इन थ्री लाइन सिस्टम इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ऑफ ए इंटू आर लाइन, इससे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं। ग्रो आउट टेस्ट आर कंडक्टेड टू चेक सीड प्योरिटी, आंसर होगा सीड प्योरिटी। फॉर लेबलिंग ब्रीडर आर न्यूक्लियर सीड द कलर ऑफ द टैग शुड बी गोल्डन येलो, द रेट ऑफ मॉइस्चर माइग्रेशन फ्रॉम सेंटर टू द सर्फेस ऑफ सीड इज इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ द अबव, आंसर होगा। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ सीड स्टोरेज आर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड कंट्रोल ऑर्डर वॉज इश्यूड इन द ईयर 1983, यहाँ पर ये 1966 जो है ये सीड एक्ट के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल बेस लाइन इज द लॉन्गेस्ट लाइन होता है बेस लाइन। करंट मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द करंट मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द सी करंट मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी इन व्हिच टाइप ऑफ ड्रिप इन व्हिच टाइप ऑफ ड्रिप फिल्टर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ग्रुप प्लास्टिक डिस्क, तो यहाँ पर डिस्क फिल्टर आंसर होगा। इसके बाद रेक्टेंगुलर बियर इज यूज टू मेजर, रेक्टेंगुलर बियर जो होता है वो किसको मेजर करता है, तो डिस्चार्ज को मेजर करता है, वाटर डिस्चार्ज। द गंटर इज चेन लेंथ ऑफ ईच लिंक इज 0.66 feet, ईच लिंक का जो लेंथ होता है 0.66 feet होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेलर पंप इज यूज फॉर लो हेड हाई डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी स्मॉल चैनल्स आर फॉर्म्ड इन रील इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनस्टेबल एवरेज, तो आंसर होगा मोड। डायग्राम्स एंड ग्राफ्स आर टूल्स ऑफ प्रेजेंटेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉरी द प्रॉबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल प्रॉबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए थोड़ा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेशन अंडर ब्रैकेट एक्स आई माइनस ए इज लीस्ट व्हेन ए इज अर्थमेटिक मीन। द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ। इफ ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस आर सेम द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज जीरो। ए सैंपल ऑफ 16 आइटम्स फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन हैविंग स्टैंडर्ड डेविएशन 4 इल्डेड टोटल स्कोर एज 160। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज 0.5। द इरीगेशन इन व्हिच द नल हाइपो सॉरी द रीजन इन व्हिच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इफ ऑल सैंपल्स इफ ये स्मॉल सैंपल इफ ए स्मॉल सैंपल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अंडर ब्रैकेट म्यू समेशन स्क्वायर वेयर समेशन स्क्वायर इज नोन देन द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विल बी, तो यहाँ पर स्मॉल सैंपल के लिए होगा टी टेस्ट, आंसर होगा टी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज टू फ्रॉम ए पॉपुलेशन ऑफ 6 यूनिट विथ प्लेसमेंट इज 36, आंसर होगा। रैंडमाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द ट्रीटमेंट्स आर एलोकेटेड टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विथ इक्वल प्रॉबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ले आउट ऑफ ए आर वी डी विथ 7 ट्रीटमेंट्स ईच रिप्लिकेटेड 4 टाइम्स द नीडेड 28 प्लाट्स विल बी ग्रुप्ड इन 4 ब्लॉक्स ऑफ 7 प्लाट्स ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए लैटिन स्क्वायर डिजाइन द एरिया डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 30 देन द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स विल बी 7। इसका फार्मूला आप रखेंगे n-1 अंडर ब्रैकेट एंड इंटू n-2 अंडर ब्रैकेट,
तो यहाँ पर आंसर आएगा सेवन। गोवा एंड माहेश्वरी प्रोड्यूस्ड हैप्लाइट्स फ्रॉम एंथर कल्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर होगा दतूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल सीड, तो आंसर होगा सोडियम अल्जिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, जी हैबरलैंड। लास्ट क्वेश्चन है टोटिपोटेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, प्लांट सेल्स। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।